हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो आई एम बैक विद कंडीशनल सेंटेंसेस। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में मैंने बहुत सारे आपको पहले बता दिए हैं, जो मेनली थ्री टाइप्स हैं वो तो मैंने आपको बताया था। उसके साथ में नेचुरल जो एक बीच में आता है, ओपन कंडीशन में ही कवर होता है, वैसे नेचुरल है, लेकिन लास्ट वाला बच गया था। तो कौन कौन सा कर लिया था? ओपन कंडीशन, जिसको हम पॉसिबल कंडीशन भी कहते हैं, या प्रोबेबल कंडीशन कहते हैं, जिसमें एक इफ क्लॉज में एक तरफ हमारी शर्त होती है और उसे प्रेजेंट सिंपल में लिखना होता है, हिंदी आपकी कुछ भी बन रही हो, और उसका जो नेक्स्ट मेन क्लॉज होता है उसे फ्यूचर सिंपल में लिखना होता है। दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कम्स इन द एग्जामिनेशन आल्सो टू फिल द ब्लैंक्स। तो आपको दोनों तरफ देखना पड़ता है कि किस साइड में क्या दिया हुआ है और किस साइड में क्या भरना है। ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने उसके बाद में नेचुरल कंडीशन किया था। जस्ट आई एम रिवाइजिंग, क्योंकि ये लास्ट है आज कंडीशनल का, तो आपको सारा समझ में आ जाएगा ये वीडियो देखकर भी, फिर पिछले वाला भी देख लेना। तो उसमें क्या था कि दोनों साइड में प्रेजेंट सिंपल ही यूज़ करना होता। वाई? बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड विद द नेचर। इसमें एक कंडीशन अगर आपने क्रिएट कर दी तो दूसरा कंडीशन अपने आप ही होना ही होना, उसको आप रोक नहीं सकते। जैसे मैंने नमक वाला दिया था, मान लो कि आज मैं हिंदी में बोलता हूँ, यदि हम लोहे को गर्म करते हैं या करेंगे, कुछ भी बोल दो हिंदी, तो क्या होगा? ये तो फैलेगा या फैलता है। इट इज़ एज गुड एज सेम। आपकी हिंदी डिफर कर सकती है, पर लिखना डिफर नहीं करेगा। लिखना आपको दोनों साइड में प्रेजेंट सिंपल में है, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड विद द नेचर। ओके, डन, ये हो गया आपका। उसके बाद में हम लोगों ने इमेजनरी कंडीशन देखा था, जिसमें हम कल्पनाओं की उड़ान भर सकते हैं। उसमें लिटरली फॉर्मेशन तो एक ही, लेकिन मैंने उसे दो करके क्यों बता दिया था, क्योंकि बी की फॉर्म जब हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं और पास्ट में लेके जाते हैं, यानी उसका सेकंड फॉर्म बीन होता है, लेकिन उसको जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो वाजवर बन जाता है। और उस वाजवर में भी ओनली वर वी हैव टू टेक, वर को ही लेना है हर एक सब्जेक्ट के साथ में, वो सिंबॉलिक है। मतलब आपको मैं यहाँ पे थोड़ा लिख के फिर मिटाता हूँ, वर ही लेना है फॉर ऑल द सब्जेक्ट। और उसके बाद में वुड प्लस वर फर्स्ट फॉर्म, ये आपने देख लेना प्रीवियस वीडियो में, अगर वो मिस हो गया हो तो उसमें आप कुछ भी, जैसे मैं अगर प्रधानमंत्री होता, यदि मैं ये होता, यदि मैं वो होता, तो ये करता वो करता, वगैरह वगैरह वगैरह, ब्ला ब्ला ब्ला। और उसके बाद में अगर मेन क्रिया आ रही कि यदि वो ऐसा कहे, यदि वो ऐसा सोचे, तो मेन क्रिया आ रही है तो फिर वो सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, इसलिए वो सेकेंड फॉर्म, और उधर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, वो बिल्कुल वैसे के वैसे रहता है। तो इसमें वर्ब भी भरवाया जा सकता है आपको, और मॉडल भी भरवाया जा सकता है। वुड जनरली वुड ही आता है, दूसरे मॉडल भी कई बार आ जाते हैं, कुड या शुड। इसलिए मैंने कहा था कि इसके कई सारे वेरिएंट्स बन जाते हैं इन लेटर स्टेजेस। तो आप प्रैक्टिस करोगे, देन ओनली विल अंडरस्टैंड। मैं अभी सारा बता दूंगा आपको, आई थिंक यू विल नॉट फॉलो, फॉर द रीजन आई हैव जस्ट स्टक टू द वुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। बाकी उसमें और भी आ सकते हैं मॉडल्स, फिर इंपरेटिव टाइप वाला भी आ सकता है, कोई इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हो। तो मैंने कहा धीमे धीमे नॉलेज बढ़ेगी, बट जो इसके मुख्य हैं वो मैंने आपको करवा दिया, और लास्ट इसका बच गया है इम्पॉसिबल का। तो आज हम इम्पॉसिबल करते हैं, और क्यों इसको इम्पॉसिबल कहते हैं वो भी हम देख लेंगे। वैसे मैंने बता रखा है आपको, फर्स्ट जो क्लास ली थी कंडीशनल की, इम्पॉसिबल कंडीशन, दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल तो है नहीं। मैंने उस दिन भी कहा था, अभी ठीक है कोरोना वायरस का वो नहीं बना वैक्सीन, वही लग रहा है, बट दैट ऑल्सो विल बी एक्चुअली मेड। बट ये कोटेशन भी है, बहुत सालों से आप भी सुन रहे होंगे, Impossible says itself that I am possible. I am possible. तो इसका दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। असंभव क्या नहीं है, वो टाइम, जैसे मैं अभी आपको जो लेक्चर दे रहा हूँ या जो आप सुन रहे हो, ये समय कभी लौट के आने वाला नहीं है। तो इट रिलेट्स टू द टाइम, अगर ये टाइम निकल गया देन इस टाइम को वापस लाना इम्पॉसिबल है। मैंने एक हिंदी में वाक्य लिख के रखा है, इफ़ यू वॉच केयरफुली यू विल अंडरस्टैंड क्यों इसको इम्पॉसिबल कहते हैं। तो चलो पहले तो इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर दिया, वो भी बता देता हूँ, फिर लाइव करके बता दूंगा सारे ब्लैंक्स भी आज। एन एक्शन विच वॉज नॉट कम्प्लीटेड, नहीं हो पाया पूरा, और अगर हो भी गया, मतलब इसका अगर पॉजिटिव वे मिले हो गया, तो उसको वापस दोहराया नहीं जा सकता उस पर्टिकुलर टाइम और डेट पे। तो ये तो बात आप मानोगे ना, तो वो प्लस भी हो सकता है इसका। सो बट मैंने नेगेटिव वे में लिया है, एन एक्शन विच वॉज नॉट कम्प्लीटेड इन द पास्ट ऑन ए पर्टिकुलर डेट और टाइम। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं हुआ उस दिन, तो हम आज नहीं कर सकते, हम कर ही सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए, यदि तुमने थोड़ी और मेहनत की होती तो तुम पास हो जाते, बंदा फेल हो गया है इसका मतलब। बट डजंट मीन कि वो वापस पास नहीं हो सकता है,
पास हो सकता है लेकिन अब उस सेशन में तो नहीं हो सकता, उसको अगले सेशन में एग्ज़ाम देना पड़ेगा मेहनत करके। तो अभी मान लो कि 2020-21 का सेशन चल रहा है, अब 2020-21 के सेशन में, इससे पहले जो 2019-20 के सेशन में कोई अगर नहीं पास हुआ, कोई वजह रह गई, तो उसको 2020-21 के सेशन में करना पड़ेगा। पर कर तो सकता है, लेकिन 2019-20 का सेशन लौट कर कभी आने वाला नहीं है उसके लाइफ में। फॉर दैट रीजन ओनली इट बिकम्स इम्पॉसिबल। और फॉर्मेशन भी बड़ा है इसका, एक निराला है, इफ आई से वेरी स्ट्रेंज काइंड ऑफ फॉर्मेशन इज देयर। उसमें भी इमेजनरी में भी यही है और इसमें भी ये क्रिया हुई नहीं, उसमें तो इमेजनरी में तो और भी स्ट्रेंज है, फिर भी हम पास्ट का यूज करते हैं। इसमें तो क्रिया हुई भी है ऑफकोर्स, लेकिन इसमें खास बात है कि यू आर गोइंग टू यूज पास्ट परफेक्ट फॉर्मेशन। मतलब मैंने सब्जेक्ट लिखा नहीं है, बट मेन जो इसका कंपोनेंट है वो लिख दिया है, हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। इधर वाला फॉर्मेशन क्या बनता है, ये तो आपका इफ क्लॉज का हो गया। इधर वाला क्या बनता है, फ्यूचर परफेक्ट इन पास्ट, ऐसे लिखना चाहिए अगर आपको किसी को बताना है। लेकिन कई बार समझ में नहीं आता कि फ्यूचर परफेक्ट इन पास्ट क्या है, अभी तो फ्यूचर है उसी में पास्ट है। मतलब विल को वुड बनाना और शैल को शुड बनाना। तो मैंने कहा ना और भी कई मॉडल आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम वुड विल ही लेते हैं। विल का पास्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वुड, इसलिए हम वुड आ रहा, वुड क्या बन गया फिर मॉडल। तो यहाँ पे भी मॉडल भरवाया जा सकता है, आपको ये वाले फॉर्मेशन दे सकते हैं और यहाँ पे मॉडल भी भरवा सकते हैं जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर इधर भरवा सकते हैं। तो इमेजनरी कंडीशन और इसमें अंतर क्या है, वहाँ सेकंड फॉर्म आ रहा था तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ रहा था, अब यहाँ पे हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। सो कंपेयर बोथ द वीडियो इन केस यू हैव एनी डाउट, बिकॉज दिस इज व्हाट दे आस्क इन द एग्जामिनेशन, सो बी केयरफुल रिगार्डिंग दिस। चाहे आप 10th में हो, 11th में भी आता ही है, और कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन जहाँ पे ग्रामर पूछी जाती है, तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ये बड़ा स्ट्रेंज फॉर्मेशन है। अब बचपन से सीखते आते हैं जब ग्रामर में, तो कि अगर हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाए तो इंटरोगेटिव बन जाता है। मैंने भी सिखाया है, मैंने भी आपको इंटरोगेटिव फॉर्मेशन में यही फॉर्मूला बताया कि भाई अगर हेड बाहर आ जाए तो इंटरोगेटिव बन जाएगा या कोई भी हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहाँ ये इंटरोगेटिव नहीं बन रहा है, इसको बाहर लाने से क्या कवर हो रहा है, इफ़ को भी ये कवर कर रहा है, इसी से इफ़ भी बन रहा है, और यहाँ पर जो हेड है उसका भी काम कर रहा है। सो ये बहुत ही स्ट्रेंज एक फॉर्मेशन है, और कैसे पता लगेगा, आगे ना तो इंटरोगेटिव का निशान होगा इसमें, और आगे इसके वुड है प्लस थर्ड फॉर्म होगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा ये इम्पॉसिबल कंडीशन का है। तो ये दोनों बात एक ही है। अब ये मैंने लिख के रखा, इसी का मैं बनाऊंगा और फिलिंग दी ब्लैंक्स भी आपको यहीं पे समझाऊंगा। मैंने कहा था अभी फिलिंग दी ब्लैंक्स भी लाइव करके बताऊंगा, तो मैं इसका ट्रांसलेशन बनाता हूं और दोनों साइड की फिलिंग दी ब्लैंक्स कैसे बनती है वो बता देता हूं। यदि, और दोनों से बना के बताता हूं, इफ यू हैड वर्कड ए लिटिल मोर, इसका मतलब हो गया यदि तुमने मेहनत की होती थोड़ी सी और ज़्यादा, ए लिटिल मोर हो गया आपका। उसके बाद में यहाँ पे क्या लगाएंगे, कॉमा, तो के लिए, यू वुड हैव पास्ट। बोलने के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मेशन है। लाइफ में बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आते हैं जहाँ पे हमें बोलना पड़ता है कि अगर तुम ऐसा कर लेते, यदि तुमने बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए होते तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते, तुमने पढ़ाई कर ली होती तो तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाती, वगैरह वगैरह, लॉट मैनी कंडीशंस यू कैन क्रिएट। तो इम्पॉसिबल कंडीशन भी बहुत यूज़फुल है, इमेजनरी भी बहुत यूज़फुल है, ओपन भी बहुत यूज़फुल है। सो प्लीज़ गो थ्रू, एग्ज़ाम में तो आता ही है, बट एट द सेम टाइम इट गिव्स यू एक्स्ट्रा power to speak so good, because whatever you have in your mind that you can express through these formations. इसीलिए grammar कहते हैं सीखने से थोड़ा spoken easy हो जाता है, but जैसे मैंने शुरुआत में कहा, it doesn't mean that without knowing the grammar you cannot speak, you can speak very well. Why? Because listening and speaking, that is the only the main thing. If you have good ears, ears मतलब कान तो अच्छे हैं ही हमारे, focus नहीं रहता है। So keep listening the things and keep speaking. What you listen, you speak. Automatically you learn how to speak. जैसे हमने जो भी लैंग्वेज सीखा है, मारवाड़ी हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, लिखना नहीं आता कई लोगों को, लेकिन अच्छा फ्लुएंटली बोलते हैं। यहाँ से लोग जो साउथ में जाते हैं वो बहुत अच्छी
बोल लेते हैं साउथ की लैंग्वेजेस, क्यों? क्योंकि वो सुनकर उन्होंने सीखा है। तो बस अभी फाइनल कर देते हैं इसको, एक मिनट और। सो इफ़ यू हैड वर्कड, तो आपको ये यहाँ पर ब्लैंक बना के दे सकते हैं, और यहाँ वर्क दे दिया, वर्क दे दिया, तो अब आपको ये भरना होगा। और आपको कैसे पता लगेगा कि ये हेड प्लस थर्ड फॉर्म ही भरना है? आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, ये आपको इंडिकेशन देगा कि आपको ये भरना है इम्पॉसिबल कंडीशन का। अगर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होता, वुड पास, तो यहाँ पे सीधा सेकंड फॉर्म आता है, फिर इमेजनरी में चले जाते हैं। ओके डन। मान लो ये भर के दे दिया इन्होंने, और आपको यहाँ ब्लैंक दे दिया, मॉडल दे दिया आपको ऑप्शन में, वुड दे दिया, कुड दे दिया, ऐसा कुछ ऑप्शन में मॉडल दे दिया। नेचुरली पहली प्रायोरिटी हमारी किसकी होगी? वुड की। इस प्रकार से इस साइड में आपसे मॉडल भरवा सकते हैं, और इस साइड में आपको वर्ब भरवा सकते हैं। तो आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। विद दैट आई कंक्लूड दिस क्लास आल्सो, एंड कंडीशनल इज ओवर। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड टेल अदर्स आल्सो। सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्टिल नॉट नोइंग, दे आर नॉट एक्चुअली येट नोन टू दिस, दैट दिस प्लेटफॉर्म इज गोइंग ऑन। सो प्लीज शेयर योर व्यूज एंड टेल देम आल्सो टू सब्सक्राइब। लाइकवाइज मेक ए गुड ग्रुप एंड इम्प्रूव योर इंग्लिश, दैट इज गोइंग टू बी सो मच यूजफुल फॉर यू during examination as well as in your day-to-day life. Thank you very much. Bye-bye. See you for the